नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल हटके डिश लेके आया हूँ, बिल्कुल अलग। मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा निहारी, पाई की निहारी। आप भी ऐसे ही बनाएं निहारी शेफ उदय के साथ। पाई की निहारी कैसे बनती है और उसके क्या क्या फायदे हैं, मैं आपको सब बताऊंगा ना। चलिए तो बगैर किसी देरी के हम अपनी निहारी बनाना शुरू करते हैं। आइए साहब, निहारी बनाने के लिए हमने ले लिए हैं पाए। ये ऑस्ट्रेलिया लैम के पाए हैं। अगर आपको इंडियन मिल जाए तो इंडियन तो और अच्छा है। मेरे को इंडियन इधर मिला नहीं दुबई में, तो मैं ऑस्ट्रेलियन पाया लिया है। और ये ब्राउन ऑनियन है, इसका हम अभी पेस्ट करेंगे। ये हरा धनिया कटा हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये आपका काजू बादाम फ्राई, और ये निहारी का मसाला जो कि मैं अभी बताऊँगा मैंने क्या क्या डाला इसमें, और ये मिंट, ये देसी घी। बस हो गया भाई अपना निहारी का तैयार सामान। चलिए तो हम बनाना करते हैं शुरू। चलिए जी, हमारा आ गया पैन और ये मसाले निहारी के। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या डाला। देखिए, जायफल का टुकड़ा है, रेड चिल्ली होल है, स्टार फूल है जिसे चक्री फूल भी बोलते हैं हम, दालचीनी का टुकड़ा है, पत्थर फूल है, काली मिर्च है, लौंग, कबाब चीनी है, थोड़ी सी पान की जड़ है, पान की जड़ डालना आपको बहुत ज़रूरी है, और थोड़ी पपड़ी है। और अब हम इनको रोस्ट करके पीस लेंगे, और हल्का खड़ा धनिया। घी गरम हो चुका है, अब मैं डालूँगा सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम डालेंगे ब्राउन ऑनियन पेस्ट, जो अभी ब्राउन ऑनियन था उसका पेस्ट। इसी में मैंने पेस्ट के साथ काजू बादाम दोनों पीस लिए हैं, प्याज काजू बादाम। इसमें थोड़ा सा मिंट भी डाल देंगे ना। प्याज ब्राउन होने लगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट और प्याज सब भुन चुका। अब हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले डालूंगा मैं सॉल्ट, आप जैसा खाते हो उस हिसाब से डालें जो आपका टेस्ट हो, कम तो कम, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा। हल्का हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली हल्की, थोड़ा येलो चिल्ली, और ये अपना निहारी मसाला जो भी हमने बनाया था। मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अभी बारी आती है ये पाए डालने की, तो हम डालेंगे पाए। पाए अच्छे से भुन चुके हैं, अब हम डालेंगे पानी। मैं आपको ऑथेंटिक निहारी बनाना सिखा रहा हूँ। ये घंटे के लिए स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, फिर हम चेक करेंगे। मैं एक से डेढ़ घंटा हो चुका है, अब हम देखेंगे पाई की निहारी। बीच में मैंने खोला था और थोड़ा पानी और ऐड किया था। पाया चेक करेंगे, हाँ पाया भी गल चुका है हमारा। अब हम डालेंगे बेसन, मैंने बेसन और थोड़ा आटा भून के रखा है। आटे का काम है थोड़ा
इसको लेजी बनाएगा, और बेसन का काम है थोड़ा सौंधापन लाने का। कुन्यारी हमारी थोड़ी सौंधी होती है, हमें इसे डालना है। आपको थोड़ा चलाते भी रहना है जिससे कि गुल्ठे ना बने। देखिए निहारी की खासियत है जो आप ऐसे देख सकते हैं, ये तार बनना चाहिए इसके अंदर। ये देखिए ये चीज आना चाहिए निहारी के अंदर। और निहारी है जो बहुत स्मूथ होती है, कोई दड़दड़ापन नहीं होता इसके अंदर, फाइन होती है एकदम। मारेंगे निहारी में तड़का, और ये गया हमारा घी, देसी घी। निहारी में आपको देसी घी का तड़का मारना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको निहारी दिखाऊंगा, पाए निहारी कैसी बनी प्लेट में निकाल के। लाजवाब एकदम, देखिए निहारी की जो गार्निश है वो है जिंजर का तड़का और आपका ग्रीन चिल्ली स्लाइस और धनिया, बस। मैं मिर्ची ऑलरेडी बहुत डाला है तो मिर्ची नहीं डालूंगा। तड़का मैंने मार ही दिया, तो आप भी ऐसे ही घर पे बनाएं निहारी। आप भी ऐसी निहारी बनाएं शेफ उदय के साथ, पाई की निहारी एकदम जबरदस्त। चलिए जी, आज हमने पाई की निहारी भी बना दी, बिल्कुल ऑथेंटिक पाई की निहारी। आप भी घर पे ट्राई करें, और ये हड्डियों में दर्द है तो आपके लिए रामबाण है एकदम, सर्दियों में भी और वैसे भी। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।